मेष राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:20 के उपरांत बड़ी भयंकर घटना होने वाली सच्चाई सुनकर ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे सर। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली वीडियो साबित होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सबसे बड़े कष्ट दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएंगे मेरे मित्रों। जय माता की। आज की ज्योतिष के इस बेहद ही अनोखी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए पर यह बातें अपने दिल में ही दबा कर रखना, इन्हें किसी को जाहिर मत होने देना। ये प्यारे दोस्तों की तिथि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें या यू कहे घटनाएं पता नहीं जा रही हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन आपने इन बातों के बारे में यदि किसी को बता दिया तो आपके शत्रु इसका लाभ ले सकते हैं और आपको बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकते हैं। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि इन बातों को अपने दिल में ही दबाकर रखना, किसी को मत बताना। प्यारे दोस्तों, अब इसमें सबसे खास बात यह है, प्यारे दोस्तों से आखिरी की 2 खबरें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली हैं और बेहद ही गुप्त है। प्यारे दोस्तों, अब ऐसे में निर्णय आपका होगा। प्यारे दोस्तों की आपको इतना महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम देखना है? नहीं प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर एक जातक की जीवन में हर पल पर ग्रहों की दशा और दिशा बदलती रहती है, लेकिन एक सामान्य जन होने के नाते आम आदमी को इन सब ग्रहों की बदलती चाल का कभी पता ही नहीं चल पाता है और वह जीवन की इस युद्ध में एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह लगता रहता है, जूझता रहता है और अंत में जीवन को एक कठोर संघर्ष मानकर हार मान लेता है। लेकिन के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रहों की बदलती चाल पर पूरी नजर बनाकर रखते हैं, और उन लोगों में से ही हूं। लोग बाहर निकल कर आते हैं जो कामयाबी की मिसाल कायम करते हैं। कारण इसका यह प्यारे दोस्तों की ग्रहों की बदलती चाल हमेशा या तो आपको लाभ पहुंचाएगी या फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो होता यह है कि जिस आदमी को क्या नहीं है वह लाभ प्राप्त करने वाले समय में ऐसी कार्य कर देता है जिससे उसे नुकसान हो जाता है, यानी नका आत्मा कार्यों को हाथ में ले लेता है। और जब उसके जीवन में ऐसे ग्रहों का गोचर हो रहा होता है कि उसे नुकसान हो सकता है, उस समय वह किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर देता है और उसे नुकसान हो जाता है। यानी कि उसके कार्य का तालमेल ग्रहों की चाल के तालमेल से हमेशा बिगड़ा रहता है। इसी वजह से जीवन में कभी भी बड़े बदलाव नहीं आ पाते हैं। कभी धोखे से अचानक ग्रहों की चाल और जीवन के कार्यों की गति यदि मेल खा जाती है तो थोड़ी बहुत कामयाबी हाथ लगी भी जाती है, फिर वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है, क्योंकि अनजाने में कुछ न कुछ इंसान ऐसे कार्य कर बैठता है वहीं कामयाबी फिर से गायब हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे में आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है यह है कि आप अपनी राशि में, अपनी कुंडली में बदलने वाली ग्रहों की पल पल की दशा का पूरा हिसाब किताब रखें और इन्हीं बदलती चालू के अनुसार अपने जीवन में कुछ न कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करते रहे। फिर आप देखेंगे कि क्या आपका जीवन एकदम स्वर्ग बन जाता है। आप जिस भी काम को हाथ में ले लेंगे उसे 100% कामयाबी के साथ पूरा करेंगे कि आपको भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। हो सकता है प्यारे दोस्तों कि आपको हमारी बातें समझने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही गहरा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। प्यारे दोस्तों, हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपकी राशि और आपकी ग्रह दशा पर हमारी तीखी नजर है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है।
आपकी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और कहां आपकी कमजोरियां हैं और क्या आपकी शक्तियां हैं, हम सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं। तभी हम आपको यह कह रहे हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, बिल्कुल भी इसे मिस न करें। इसका 11 भाग आपके जीवन के लिए वरदान के समान है प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों, समय बर्बाद किए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री की छोटा सा बालक अपनी माँ के लिए बिलक बिलक कर विनती करता है और माँ का दिल भी पिघल जाता है और माँ दौड़ी चली आती है अपनी पालक की मदद करने के लिए। ठीक बिल्कुल उसी भाव के साथ आपको भी माँ दुर्गा को याद करना है ये प्यारे दोस्तों, क्योंकि माँ दुर्गा के लिए तो ये सारा जगत एक बालक के ही समान है, सभी उनके ही बच्चे हैं। तो आपको इसी भाव के साथ कमेंट में 3 बार जय माँ दुर्गा कृपा करो लिखना है और आप देखेंगे कि आप फोन निश्चित तौर पर माता की कृपा प्राप्त होगी। हमें पूरा विश्वास है, हम माँ दुर्गा के लंबे समय के साधक हैं और हम जानते हैं कि इस प्रकार भाव विभोर होकर किया गया निवेदन माँ कभी ठुकरा ही नहीं सकती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भर डालिए, जय मां दुर्गा कृपा करो, जय मां दुर्गा रक्षा करो और देखो फिर कैसे परिवर्तन आते हैं जीवन में। सतीश, प्यारे दोस्तों आपसे हमारा एक और छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। ये बिल्कुल ही फ्री है प्यारे दोस्तों, लेकिन ऐसा करके आप हमारा करोड़ों का मनोबल बढ़ा देंगे और हम दुखने मेहनत से आपके लिए प्रयास करेंगे, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम लाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि हम जो भी ज्योतिष कार्यक्रम में कंटेंट लेकर आते हैं आपकी राशि से जुड़े हुए वह बिल्कुल ही अनोखा और अद्भुत होता है और पूर्ण रूप से ग्रहों की चाल पर आधारित होता है। प्यारे दोस्तों हम इधर उधर की बातों में कभी भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करते हैं, आपको सटीक ज्ञान देते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों यह तो आप भी समझते हैं कि यहां थोड़ा सा समय तो लेता ही है, हर एक अच्छे कार्य में समय तो लगता ही है, तभी हमारी ज्योतिष कार्यक्रम थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं। आपको धन के साथ ज्योतिष कार्यक्रम देखना चाहिए, YouTube पर हमसे बेहतर कोई भी आपके लिए बेहतरीन ज्ञान लेकर आने वाला नहीं। सभी इधर उधर से बातें लेकर ज्योतिष कार्यक्रम बना देते हैं लेकिन दूसरा मार्ग के साथ कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा है। केवल हम ही हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ध्यान लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारा सपोर्ट अवश्य करें और ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक भी अवश्य करें। प्यारे दोस्तों यदि जज्बा रहा मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से निकलेगा, ना हो। मायूस नखरा दिनों से मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्यारे दोस्तों अब आपके जीवन काल का सुनहरा रावल आने वाला है, आपके जीवन में प्रकाश और ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ प्यारे दोस्तों हो जाइए तैयार, कुछ ऐसी ग्रहों की चाल है जो आपके सौभाग्य का निर्माण कर रही है। एक ऐसा ग्रह है जो 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक आपको सर्वोत्तम कॉल देने जा रहा है। आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी और इस सब का होने का प्रमाण यह है कि आपके जीवन में थोड़े थोड़े सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होने लगे हैं। जिन रिश्तों में आपकी बात बिगड़ी हुई थी वहां अब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सकारात्मक होने लगा है। आप हर एक बात लोगों को अब महत्व करने लगी है। आप जिसके साथ समय गुजारने के लिए तरस रहे थे अब आपको समय मिले लगा है कि आप उसके साथ भी अपना समय गुजारे हैं और आपको यह सब बहुत अच्छा लगने लगा है। रही बात काम धंधा व्यापार की, छोटी छोटी परेशानियां आपको अवश्य ही आ रही हैं लेकिन आपकी कामयाबी के नए रास्ते भी तैयार हो रहे हैं। आपको पता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है क्योंकि आपके मजबूत व्यापार की थी, आमदनी के मजबूत स्रोतों की नींव रखी जाने लगी है। हम सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं,
एक एक करके हर एक बिंदु को अच्छी तरह से आपके लिए समझाएंगे। बस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी ज्योतिष कार्यक्रम को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, अन्यथा आप किसी जरूरी महत्वपूर्ण बात को मिस कर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम आपको हर एक घटना के होने का प्रमाण देंगे, साथ ही साथ हम कुछ जरूरी उपाय भी आपको बताएंगे। इन उपायों को आपको करना बहुत आवश्यक है। यह प्यारे दोस्तों, यही वह प्रयास होते हैं जो कहे कि यही वह छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं जिनसे जीवन में सुख समृद्धि आती है। याद रखना है कि हमेशा जीवन में सुख खिड़कियों के रास्ते से आता है और दुख सामने के दरवाजे से धड़कता हुआ अंदर प्रवेश कर जाता है और हमें रोज डालता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें सतर्क रहना चाहिए, ज्ञान की आंखें खुली रखनी चाहिए, कौन क्या कह रहा है यह भी समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस तरफ से कौन सी ज्ञान की बात आपको मिल जाए। आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और सुख की कोई खिड़की खुल जाएगा और आपका जीवन भी महकने लगे। ये प्यारे दोस्तों, को सबसे पहला जो आपके जीवन में घटना होगी कि भावनात्मक तौर पर आपको बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ही यही है कि आपने जिनसे प्रेम किया है, बदले में आपको उनसे वैसा प्रेम कभी नहीं मिला जैसा सच्चा प्रेम आपने किया है। आपके अंदर ही अंदर एक बड़ी पीड़ा यही है कि आप ना तो जैसा आप चाहते हैं वैसा प्रेम मिला और ना ही जैसा आप चाहते हैं वैसा सम्मान मिला। उल्टा हुआ तो यही है कि आपकी भावनाओं का खिलवाड़ किया गया है, आपकी बातों का मजाक बनाया गया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए, अब आपके जीवन में सुख के पल आने वाले हैं और आपके दिल को अब सुकून हासिल होने वाला है। दोस्तों, आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनसे आपको बदले में वैसा ही प्रेम प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि प्रेम और सुख का कारक ग्रह शुक्र आपके जीवन में अब लाभ के भाव में स्थापित होने जा रहे हैं और आपको लंबे समय तक यह लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि आपके रिश्ते जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की नकारात्मकता भी आ गई थी, वह अब दूर होने लगेगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और आपको दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जब टीम के बदले प्रेम मिलता है, सम्मान के बदले सम्मान मिलता है, तो भला क्यों नहीं अच्छा महसूस होगा, जीवन क्यों नहीं सुंदर बनेगा, क्योंकि इंसान तो भावनाओं के सहारे ही जीता है। इसीलिए यदि दिल में खलबली मची है, तूफान मचा है, तो अच्छी से अच्छी चीजें भी, सोना चांदी भी सुख नहीं देता। प्यारे दोस्तों, अब यही सुख आपको प्राप्त होगा, आपका दिल अब खुशियों से झूम नहीं लगेगा। लेकिन आपने यदि एक छोटी सी गलती कर दी तो इसका आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। याद रखें कि शुक्र जहां अच्छे लाभ देने के लिए, यानी कि दिल को सुकून देने के लिए, रिश्तों को, प्रेम के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, वही आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक राक्षस करें है और आपकी बड़ी हानि भी करवा सकता, यानी आपके बने हुए रिश्तों को बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ बड़ी सावधानियां रखना बहुत अधिक आवश्यक है। भूल से भी आपको यह कार्य नहीं करनी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने कि कौन सी ऐसी काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। सबसे पहला काम का है कि आपके बेडरूम में, यानी जहां आप सोते हैं, वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्यारे दोस्तों, आपका बेडरूम कोई सामान्य स्थान नहीं है, आपकी ऊर्जा इसी स्थान पर केंद्रित होती है। आप यहीं पर हो वह समय बिताती हैं, जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं और आप इस स्थूल शरीर से बाहर जाते हैं, यानी कि एक आत्मिक संसार में प्रवेश करने का रास्ता खुलता है। तो बेडरूम को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, तो आपको अपने बेडरूम में देखना है कि आपके पेट पर जो बेडशीट बिछाई गई है, नहीं भाई, फटी पुरानी तो नहीं है या फिर किसी गहरे रंग की तो नहीं है। यदि हो सके तो आपको हल्के रंग की बेडशीट जानी है, साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं। यदि रंग सफेद, गुलाबी या फिर ऑरेंज है तो सबसे अच्छा रहेगा, और गहरी रंग की बेडशीट आपको भूल कर भी नहीं बचा नहीं है। दूसरा, ये रात्रि के समय आपके बेडरूम में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल वगैरह भी नहीं होने चाहिए।
इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपके बेडरूम में जो पर्दे वगैरह हैं, उनका भी विशेष ख्याल रखें। कटी फटी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, गंदे नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपको अपने ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको भी गहरे और काली रंग की कपड़े नहीं पहने हैं, आपको कपड़े हल्के रंग के पहने हैं। ऊपर के भाग के कपड़े सफेद रंग के हो तो ज्यादा बेहतर है, या फिर कोई भी हल्का रंग हो, जैसी क्रीम कलर होगा, ऑन रेंज होगा या 15 को होगा, ऐसे कलर आप ऊपर के भाग में पहने, यानी शर्ट हो गया, राय कुर्ता वगैरह आप हल्के रंग का ही पहने, और हो सके तो शुक्रवार के दिन केवल सफेद रंग का कुर्ता शर्ट ही पहने, तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा। गंदे फटे हुए कपड़े भूलकर भी ना पहने। जरा सा भी कपड़ा अगर फट जाता है तो उसे भूलकर भी ना पहने। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र बंद हो जाता है और जीवन में हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं आपके मुख्य दरवाजे की, यानी कि आपका जो घर है उसका जो मुख्य दरवाजा है, उसके क्या हालचाल हैं। वह दरवाजा का साफ सुथरा होना चाहिए। दहलीज गहरी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत उल्टी हुई होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। दरवाजे पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और दरवाजे के ठीक सामने कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। जी हां प्यारे दोस्तों, यह आपको देखना है। सुबह शाम दरवाजे की सफाई करें और गाय के घी का बना हुआ एक दीपक निश्चित तौर पर चलाएं। इन सब कार्यों से शुक्र आपका और अधिक मजबूत हो जाएगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। निश्चित तौर पर आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपको जो होगा वह आगे हम आपको ज्योतिष कार्यक्रम में बताना। एक बहुत बड़ी बात प्यारे दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपने दिल में अपने करीबियों के लिए अली, जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हैं, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो, या फिर आपका कोई खास मित्र या भाई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनके लिए आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर नहीं आना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई अपने ही रिश्तेदार, यानी कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके पीछे पड़े हैं, आपका सम्मान नहीं करते, आपको प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे समय की चाल समझकर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपने मन को मेला ना करें। आपका मन जितना उजला आला और जितना प्रेम से भरा हुआ होगा, बदले में आपको उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान प्राप्त होने लगेगा। ये प्यारे दोस्तों याद रखें, ग्रहों की दशा सकारात्मक होने वाली होती है, उसी वक्त नकारात्मक विचार और नकारात्मक परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं। इन परिस्थितियों पर आपको गहरी नजर नहीं होती है तो ये तो हो गया। इस शुक्र का बड़ा लाभ जो आपको प्राप्त होगा और क्या सावधानियां हैं जो आपको करनी होगी, अब इसी के साथ साथ आपको बताते हैं। दूसरा बड़ा लाभ, दूसरा शुक्र का फायदा यह होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके जीवन में ऐश्वर्य शामिल होगा, या कहने का मतलब सुख सुविधाओं का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खासतौर से आपको बहुत ही सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, यानी यूं कहें कि आपको भोग विलास का पूरा मौका मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अब इस चक्कर में आपको फिजूल खर्ची भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि शुक्र का जहां एक ओर यह लाभ है कि वह आपको भूख गिलास में लिप्त कर देता है, आपके जीवन को सुख और आनंद से भर देता है, वहीं इसका नुकसान दिया है, यह आपको फिजूल खर्ची करवाता है, दिखावे बाजी की ओर ले जाता है और आपके मन में थोड़ा सा घमंड, या यूं कहें कि गर्भ के भाव को उत्पन्न करता है। यह शुक्र की नकारात्मक, इससे आपको बचना है। आप भोग विलास के चक्कर में फिजूल खर्ची में ना जाएं और थोड़ा सा सतर्क रहकर ही अपने जीवन का सही आकलन करते चले। ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जिसको करने से शुक्र की नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेंगे। तो उसको याद रखना है कि शुक्र कौन है। शुक्र है गानों को के गुरु शुक्राचार्य, जैसे कि बृहस्पति है, देवताओं के गुरु उसी प्रकार है राक्षसों के गुरु शुक्र। तू राक्षसी गुरु शुक्र के अंदर होना स्वाभाविक है।
तू जहां यह सकारात्मक फल देंगे, कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो आएगी ही। तो आप ही उपाय करेंगे तो आप नकारात्मकता से कुछ हद तक बच सकते हैं। तो ऐसे में आपको जब शुक्र लाभ भाव में स्थापित हो जाएं और लाभ देना शुरू कर दें, तो आपको शुक्र के दुष्प्रभाव से ऐनी नकारात्मकता से बचने के लिए उपाय करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा होगा। ये है एक, अब आपके जीवन में लाभ आएगा और गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप यूं ही रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे लाभ की। तीसरा, अब आपको व्यापार से जुड़ा हुआ है। जी हां प्यारे दोस्तों, आपकी आमदनी के नए नए स्रोत बने शुरू होंगे, व्यापार भी आपका सरल हो जाएगा, काम धंधे के स्थान पर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ व्यापार में जो परेशानियां आ रही हैं, छोटी छोटी उलझाने आ रही हैं, वह थोड़े से प्रयास से ही दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जो आपके सहयोगी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, वे आगे बढ़कर आपका समर्थन करेंगे और आपको आपके जीवन की परेशानियों से, व्यापारिक परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपकी भरपूर मदद करेगा, लेकिन उससे आपको किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह आपकी मदद करेगा और यह सब देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य तो अवश्य होगा, लेकिन यह शुक्र का प्रभाव है। प्यारे दोस्तों, कोई आपका विरोध कर नहीं पाएगा, व्यापार में आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका दुष्प्रभाव भी है कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों, और इसका दुष्प्रभाव यह है दोस्त है कि आप प्रियजनों से घमंड की भावना रखने लगेंगे, गर्व की बातें करने लगेंगे, जो कि आपके प्रियजनों को, आपके सहयोगी और समर्थकों को ही दिल में छोटा दिखाएगा। यानी कि आपके अंदर अपना प्रभाव और अपनी क्षमता दिखाने की भावना बढ़ने लगेगी। इससे दूसरों को नीचा महसूस होगा और लोग धीरे धीरे आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। जहां लोग आपकी आज मदद करनी, आपसे पूछा भी छुड़ा लेंगे, या प्यारे दोस्तों इस भावना से आपको बचना है। दूसरा, आपके पास आमदनी तो आएगी, लेकिन आपका ध्यान नकारात्मकता जो कि तरफ भी जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कि शुक्र के लाभ भाव में आते ही धन का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन युवा शराब और वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं, यह इसका दुष्प्रभाव है। तो आप किसी भी नकारात्मक क्षेत्र में पांव नहीं रखना है, अपने पैसे को फिजूल खर्ची में नहीं लगाना है, शेयर मार्केट या फिर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको बहुत तू समझकर जाना है, धोखा प्राप्त हो सकता है। प्यारे दोस्तों, को रातों रात प्राप्त की भी सफलता प्राप्त हो, रात ही चली भी जाएगी। इस प्रकार आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और इस दुष्प्रभाव से बचना है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि शुक्र आप अकेला भाव में है, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, हर तरफ आपको अच्छा अच्छा ही महसूस होगा, या यूं कहें कि आपको कहीं कहीं पर यह भ्रम भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप किस शत्रु जो हैं वह अति सक्रिय होंगे इस अवस्था में। क्योंकि आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, आपकी तरक्की हो रही है, और हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों के दोस्त से अधिक दुश्मन होते हैं और दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे होते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दिखा भी बाजी से दूर रहना है और अपने जीवन की सुख समृद्धि के बारे में लोगों से चर्चा नहीं करनी है, अपनी कामयाबियों को अपनी तरफ ही रखना है, इसी और से बताना नहीं है, उनका बखान नहीं करना है। ये प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर यह एक अवगुण अवश्य है कि आप जब दिल खोलने पर आते हैं तो लोगों के सामने सारी दिल की बातें खुलकर रख देते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि आप सीख ही बाजी में भी आ जाते हैं, या यूं कहें कि अपने गुणों का खुद ही बखान करने लगते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। इन सब बातों के कई दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ते हैं। अंदर ही अंदर लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपसे शत्रुता मानने लगते हैं, आपकी कामयाबी उसे जलने लगते हैं जो चीजें आपने अभी कर भी नहीं पाई हैं, यदि आप उनका भी बखान कर देती हैं, क्योंकि आप अक्सर कर देते हैं, फिर बाद में लोग उन चीजों के लिए भी आपसे जलन का भाव रखने लगते हैं। यानी कि जो घटना हुई नहीं उसके लिए भी शत्रुता आपने पहले ही बोल ले ली, तो आपको यह नहीं करता है, भूल कर भी नहीं करना है, तो उस
तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों की आपको अपनी माता पिता का सम्मान करना है और अपने माता पिता का पूरा सम्मान करना है और उन के साथ समय बिताना है, उन्हें अपने जीवन में चल रही घटनाओं के बारे में चर्चा करनी है और पुलिस भी उन्हें नाराज नहीं करना है। प्यारे दोस्तों याद रखना, इस शुक्र सूर्य और चंद्र दोनों को ही अपना शत्रु मानता है, यानी कि सूर्य यानी पिता और चंद्र यानी माता का दोनों को ही शत्रु मानता है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में माता और पिता की ओर से किसी प्रकार की नकारात्मक का प्रवेश कर जाए। और प्यारे दोस्तों, माता और पिता की तरफ से यदि कोई नकारात्मक भावना आपके जीवन में प्रवेश कर गई है, आपके जीवन के बारे में या आपके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने कुछ भी गलत मन में सोच भी लिया, आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का राजा है और चंद्र बहुत ही बनी रहे। यदि दोनों ही ग्रह किसी जातक के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं तो शुक्र शनि या बुध कोई भी अनेक रहे हो उस पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आपको ना तो सूर्य को नाराज करना है और ना ही चंद्र को नाराज करना है, क्योंकि शुक्ला लाभ भाव में है तो इसका बहुत अधिक अवसर बनता है कि आपकी माता और पिता आपसे नाराज हो जाए, किसी बात को लेकर आपसे अति रोष्ट हो जाए, झगड़ा भी हो सकता है। आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आप अपनी ही मुसीबत मोल ले लेंगे। अब बुध जो है वह आपका मित्र है, तो यानी कि आपका व्यापार आपका काम धंधा था बहुत अधिक आपको लाभ देगा और आपकी बहुत अधिक तरक्की होगी। तो आपको पूरा ध्यान उसी पर जीना है, तो अपने काम पर आपको पूरा ध्यान देना है और सच्चे मन से मेहनत करनी है, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सर्वोत्तम उपाय की। तो प्यारे दोस्तों, एक ऐसा उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपको इसके प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देंगे। अपने जीवन में आने वाली एक महीने के लिए आप ही के नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको 5, 11, 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद घर से दाहिना पैर बाहर रखना है। प्यारे दोस्तों याद रखना, बायां पैर नहीं रखना है, दाहिना पैर घर से बाहर रख कर निकलना है। ध्यान से सुने मंत्र कौन सा है, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, बहुत ही सरल मंत्र है। प्यारे दोस्तों आपको 2-4 बार बोलने से ही जाएगा, तो ध्यान से देखे हम मदर को बोलने जा रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह शुक्राय नमः मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह शुक्राय नमः मंत्र शक्तिशाली मंत्र है। एक और उपाय आपको करना होगा कि शाम के समय आपको शुक्रवार के दिन मछलियों को दाना खिलाना होगा। प्यारे दोस्तों यदि अगर आपको मौका लग जाएगा तो एक कार्य और कर सकते हैं कि एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी बतासिया, प्यारे दोस्तों, या फिर देवरिया में ये कुछ भी सफेद रंग का मीठा पदार्थ आप पोटली बनाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर मछलियों को दाना अवश्य खिलाएं। इससे आपका शुक्र बलि होगा और आपको कई प्रकार के निर्गुणी कर लाभ पहुंचाएगा। प्यारे दोस्तों यह तो था आपके जीवन के बारे में विशेष ज्ञान, इसका आपको पूरे महीने लाभ मिलेगा। प्यारे दोस्तों अब आपको करना यह है कि इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दें, हम आपकी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं और मिनट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा लिखना ना भूले। माता आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देंगे। पूरा मातृत्व